अस्सलामुअलैकुम मेरी पेस्ट्री टू फैमिली, कैसी है? ठीक है, उम्मीद करूँगी आप लोग ठीक होंगे और खैरियत से होंगे। वीडियो शुरू करने से पहले आप लोगों से हमारी छोटी सी रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ आप लोगों ने वीडियो को करना है मुकम्मल वॉच और चैनल को कर देना है सब्सक्राइब। तो अबू जैसे कि गए हुए थे अपना काम का मालूम करने के लिए, अभी जो है ना गेट पर कोई आया हुआ है, मेरे ख्याल में शायद अबू होंगे, कब के गए हुए हैं। तो अभी चल के कुंडी वगैरह खोलते हैं और अबू से जो है ना मालूम करते हैं। बेटा सब लोग सो गए क्या? आप इतनी देर से हैं, जाहिर सी बात है सबने सो ही जाना है। मैं भी सोने लगी थी अभी लाइट बंद करके। फिर मैं कैसे आपा घर में, इसीलिए तो जाग रही थी। अच्छा, आप कह रही मैं सोने की तैयारी कर रही हूँ तो आप जो है ना सो जाती, तो मैं तो बाहर खड़ा रहता, यहाँ तो दरवाजे से कूद के अंदर जाना पड़ता। तो काम मिला या नहीं आप जो गए थे अबू? नहीं बेटा, काम तो बीमारी की वजह से कोई काम नहीं दे रहा। खैर अल्लाह की जात तो है ना, पसीना तो चेक करें बेटा। ये साइकिल चलाया आपको पता है। अच्छा पहले पानी पी लें, फिर मगरिब से पहले गया हूँ, खाना तो नहीं मिला। बहरहाल आप रूम से ले, आपको रोटी तंदूर की बहुत ज़्यादा पसंद है ना, तो सिलानी वाले खाना वगैरह जो है ना बांट रहे थे। तो उस दिन क्या आई थी ना कि चचा के तुम्हारी माँ का इसके लिए तंदूरी तंदूर खाने को दिल चाह रहा था और चचा के घर पर वो गई थी, माँ तुम्हें मांगी नहीं थी, तो तंदूरी रोटियाँ थी तो वहाँ रखा हुआ था खाना, तो वो बांट खिला के फिर बस करते थे। उसके पास क्या हुआ है, आपके लिए जो है ना तंदूरी रोटी भी लेते हैं और सालन भी देते हैं। चलें ये आप लोगों को दे दिया है। चलो ये काम नहीं हुआ तो एक काम तो ये तो हो गया ना, पता नहीं मेरे ख्याल में सालन भी गोश्त का ही है। अच्छा काम बेटा नहीं दे रहे, एक महीना होने वाला है, पता नहीं हमारे जो है ना नसीब हार गए हैं, वो ही मिला है। वो भी आपको पता है एक काम है, आर्जी है, क्योंकि जब भी औरत ठीक होगी तो फिर वो लोग काम वापस ले लेंगे। यहाँ पे ये देखें सारे के सारे देखे सो रहे हैं। उठो आसिफ, आरिफ उठो, उठो अंदर जाओ, उठो अंदर जाओ, लाइट आ गई, उठो। और परवीन देखे आराम, देखे इधर सो रहे हैं आराम, रो रो के सोया अभी। बेटा चार पाई हटाओ, गोश्त का सालन खाना है आप लोगों को हैं? अभी तो नींद में। बेटा अरे चार पाई हटाओ, मैं साइकिल खड़ी करूंगा। बेहोश पड़े, वो तो हिल ही नहीं रहा आखिर वाला। आसिफ उठ जाओ बेटा, और खींचो ना मजीद। बेटा गर्मी काफी हो रही है और मुझे पानी पिलाना ठंडा हो। अच्छा ये सो रहे थे ना, उन्होंने लात मार के गिराए होंगे। सालन देखने का कौन सा है, मुर्गी का है, गोश्त का है, किसका है? मैं पानी भर के आ जाऊं, फुल्ली ठंडा पानी है ये तो। मैं बेटा इसलिए गया था ना, आज छुट्टी का दिन है तो मैंने कहा सब लोग घर पे होंगे, जिनकी गाड़ियां सफाई करता था वो जो है ना घर पे होंगे तो काम वाम मिल जाएगा। जिसके पास गए वो कहते आप बीमार हैं, आपके जिगर का मसला है और आपकी तबीयत काफ़ी ज़्यादा ख़राब रहती है, हम आपको काम नहीं देते और ऑलरेडी जो है ना काम पर लगे हुए हैं हमारे पास। तो बेटा वायद ही अल्लाह ही सारा है, अल्लाह पाक जो है ना हमारे लिए साना पैदा करेगा। जिस हाल में भी है अल्लाह पाक का हम लोग बहुत ही ज़्यादा शुक्र अदा करते हैं। परवीन अब जाओ, गोश्त का सालन है, गोश्त का सालन खाना है, तंदूर की रोटी है। हाँ उठो पे खा लो, उठो ताज़ा है, उठ जाओ परवीन, तंदूर का सालन और रोटी है खा लो, उठो। कह रही है देर है देर है। किरण तुम चाय निकाल के लाओ, चाय हम लोग पीने, तुम्हारी माँ वैसे ही होती है। उठ जाओ परवीन, उठ जाओ ना, उठ जाओ, सालन वगैरह निकालो, उठ जाओ, दुपट्टा पहन के, कैमरा खुला हुआ है, उठ जाओ, उठ जाओ यार, उठ जाओ, मैं तुम्हारे लिए सालन रोटी लेके आया तंदूर वाली, उठ जाओ, तंदूर वाली गोश्त का सारा है, उठो। कह रही है आंखें नहीं खुल रही, सुबह जब आंख खुलेगी खाली पड़ी होगी। जब तक वो नहीं निकालो और प्यारी सी यूट्यूब पर फैमिली के साथ शेयर करो किस चीज़ का सालन है। छाती भी ले लेते हैं, छाती में रोटी निकाल। हाँ
गोश्त का लगता है ऊपर से, ये देखें। आपको पता है देखने में कोरमा लग रहा है। हमारी अम्मी के मुंह में पानी आ रहा है, पानी। फिर हम खा लेंगे। खुशी कैसे आ रही है गोश्त को देखने। चले निकालती हूँ। एक दिन पर दिन अल्लाह पाक ऐसी देंगे, अल्लाह पाक ऐसी देंगे। ये रहा सालन, अभी खाएंगे, अभी खाएंगी, सुबह खाएंगी। अम्मी आपके मुंह में पानी नहीं आ रहा, आप सुबह खा लेना। देखो पता नहीं नान कितने हैं। नान पे जो है ना हल्का सा घी लगा कर हम जो चाय बना देते हैं। चीनी खत्म। क्यों तो चाय बनाई थी शाम को? अरे हम कहवा पी के सोए हैं। अच्छा। रो रहा था तो दूध के लिए, अम्मी के पास पैसे नहीं थे। दुकान कहाँ से? तो अभी ले आए। अम्मी आप ले आएंगी? वो कहती है 8-9 बजे का टाइम है, पानी के लिए 10 बज रहे हैं। 10 बज रहे हैं? हाँ पता है आपको। दुकान सारी खुली है। दूध है चीनी नहीं। और पे की चीनी लेके आ गए हैं, अभी चाय बनाते हैं। पहले नंबर पे ऊपर से गैस खोलते हैं, खुला हुआ है। करे गैस आ रहा है, वन इस टाइम गैस बिल्कुल भी नहीं होता। और चीनी जो है ना मैंने डब्बे के अंदर निकाल ली है, अब इसके अंदर डालते हैं। सब सो रहे हैं तो मैं जो है ना चाय थोड़ी सी बना रही हूँ, सिर्फ 3 कप, अम्मी अबू और मैं। आरम भी सो गया है। 2 चम्मच पत्ती डाल देंगे। कुछ किस्म की है वरना इस टाइम जो है ना गैस आ नहीं रहा होता। तकरीबन अभी जो है ना 10:30 से जो है ना टाइम ऊपर हो गया है। चीनी लेके आए हैं, चाय बनाते हैं जल्दी जल्दी, कैसा ना हो कि जो गैस आ रहा है। मैं अल्हम्दुलिल्लाह तो कह रही हूँ ना ये भी चलना चाहिए, तो जल्दी जल्दी से चाय बना के अम्मी और बिल्कुल चाय देते हैं। अम्मी कह रही हैं कि मेरी आँख जो है ना बिल्कुल भी नहीं खुल रही, ऐसा ना हो कि सो जाए। अम्मी बिल्कुल ही खोल गया। अब इसमें दूध डालते हैं। दूध ये रखा हुआ है स्लैब पे। बन गई है चाय हमारी। सारा सामान जगह पे रख देंगे, चाय निकालते हैं। तेल लगा के एक नान अब्बू को तेल लगा के देते हैं। को पहले पानी में भिगोया है ताकि नरम हो जाए, और हल्का सा ऑयल लगाया है तवे पे। अभी जी नान हम जो है ना डाल देते हैं। नान गर्म हो गया। हमारे एरिया में जी लाइट जो है ना चली गई है, अब जो है ना लाइट आएगी तकरीबन 1 बजे तक। गर्मी हो गई है, अम्मी भी उठ गई है। अब जो है ना अम्मी को नींद नहीं आ रही, वरना सो रही होती हैं तो लाइट चली जाती है, अम्मी को बिल्कुल भी पता नहीं चलता। हम तो क्या है जब लाइट आती है तभी सोते हैं। अभी बिल्कुल ही गर्मी में और मैं अंधेरे में बैठी हुई, लाइट जो है ना कब की गई हुई है। जैसे अबू आए हैं लाइट जो है ना अल्लाह हाफिज़ करके चली गई है। तो इसी के साथ हमें दीजिएगा इजाज़त। इंशाल्लाह ताला आप कल मिलेंगे न्यू व्लॉग में। उम्मीद करेंगे हमारी आज की वीडियो अच्छी लगी होगी। आज जो है ना हमने आपके साथ अपनी नाइट रूटीन शेयर की है। अल्लाह हाफिज़।